नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र हिंदी न्यूज और मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। स्वागत है आपका खबरें लगातार में। भारत में कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है। पिछले कुछ दिनों से रोजाना कोरोना के 8000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। अब पिछले 24 घंटे के आंकड़े भी सरकार की तरफ से जारी हुए हैं, जिसमें यही ट्रेंड देखने को मिला है। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 8,822 नए मामले सामने आए, वहीं 15 लोगों की कोरोना से मौत हुई। इन आंकड़ों के बाद भारत में कुल एक्टिव मामलों की संख्या 43,637 तक पहुंच चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 5,718 लोग डिस्चार्ज हुए। नए कोरोना मामलों के बाद कोरोना के कुल मामलों की संख्या 4,32,45,517 तक पहुंच गई है। वैक्सीनेशन भी तेजी से बढ़ रहा है। अगर आज आए कुल मामलों की तुलना पिछले दिन यानी 14 जून के आंकड़ों से करें तो कोरोना मामलों में काफी इजाफा हुआ है। यहां 14 जून को कुल 6,594 नए मामले सामने आए थे, वहीं आज यानी कि 15 जून को इनमें करीब 3,000 का इजाफा देखने को मिला। हालांकि इससे पहले भी पिछले कुछ दिनों से कोरोना के करीब 8,000 नए मामले रोजाना सामने आ रहे थे, जिससे पिछले करीब 20 दिनों में ही कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या दोगुनी से भी ज्यादा हो गई थी। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी ने अंतरिक्ष में मौजूद संसाधनों के इस्तेमाल पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष में मौजूद हमारे संसाधन वायु सैन्य क्षमता को और मजबूत कर सकते हैं। एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी ने जियो इंटेलिजेंस 2022 नामक एक कॉन्फ्रेंस में कहा कि आज हमें अंतरिक्ष को अपने हवाई माध्यम के प्राकृतिक विस्तार की तरह देखने की जरूरत है। नई परिस्थितियों के साथ इसका बेहतर इस्तेमाल सीखने की आवश्यकता है। वीआर चौधरी ने कहा कि भविष्य में युद्ध के परिणाम और जीत इस बार काफी निर्भर करेंगे कि हमारी अंतरिक्ष पर कितनी मजबूत पकड़ है। वायुसेना प्रमुख ने कहा कि अंतरिक्ष आधारित संसाधन सैन्य बल के लिए लागू की जा सकती है। भारत समेत प्रमुख देशों द्वारा एंटी सैटेलाइट टेस्ट एक व्यापक अंतरिक्ष स्थिति जागरूकता की जरूरत की ओर इशारा करता है। एयर चीफ मार्शल ने आगे ये भी कहा कि अंतरिक्ष क्षमताओं के विकास के परिमाण स्वरूप संसाधन बढ़ रहे हैं। इन संसाधनों के इस्तेमाल से वायु सैन्य क्षमता को और मजबूत किया जा सकता है। स्पेस एसोसिएशन ऑफ इंडिया की ओर से आयोजित जियो इंटेलिजेंस सम्मेलन में उन्होंने कहा कि स्पेस डोमेन के बढ़ते शोषण से प्रतिस्पर्धा भी बढ़ेगी। मुंबई में जल्द ही लोगों को अपने दरवाजे पर सीएनजी मिल सकेगी। ऊर्जा वितरण स्टार्टअप दी फ्यूल डिलीवरी ने महानगर गैस लिमिटेड के साथ एक अभिरुचि पत्र एलओआई पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत शहर में मोबाइल सीएनजी स्टेशन की स्थापना की जाएगी। इन मोबाइल सीएनजी स्टेशंस की मदद से ग्राहकों को उनके दरवाजे पर ईंधन पहुंचाया जाएगा। द फ्यूल डिलीवरी ने एक बयान में कहा कि ये सेवा 24 घंटे और हर दिन उपलब्ध रहेगी और इसके जरिए सीएनजी से चलने वाले ऑटो रिक्शा, कैब, निजी और स्कूल बसों और अन्य वाहनों की ईंधन संबंधी जो जरूरत है वो भी पूरी हो पाएंगी। इस सेवा की शुरुआत से ग्राहकों को सीएनजी के लिए लंबी लंबी कतारों में इंतजार नहीं करना पड़ेगा। स्टार्टअप ने कहा कि मुझे मुंबई में 2 मोबाइल सीएनजी स्टेशन संचालित करने के लिए एमजीएल से मंजूरी मिल गई है। ये सेवा अगले 3 महीनों में मुंबई के सायन और महापे से शुरू हो जाएगी और धीरे धीरे इस शहर के अन्य हिस्सों में भी विस्तारित कर दिया जाएगा। द फ्यूल डिलीवरी के संस्थापक सीईओ रक्षित माथुरा ने कहा कि देश भर में दरवाजे पर डीजल की सफलतापूर्वक आपूर्ति करने के बाद हम सीएनजी की घड़ी तक आपूर्ति की घोषणा करके एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं। भीषण गर्मी से तप रहे दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के लोगों को मानसून के आने का बेसब्री से इंतजार है। मौसम विभाग ने मानसून के आगमन को लेकर ताजा अपडेट जारी किया है। राजधानी दिल्ली में आज को दिन भर बादल छाए रहने और 3 से 40 की प्रति घंटे की रफ्तार वाली तेज झोंकेदार हवा के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग का जो पूर्वानुमान है उसके मुताबिक बुधवार से 20 जून तक कमाबीश तक हर रोज वर्षा होगी। सभी दिनों के लिए येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। इस दौरान गर्मी से खासी राहत मिलने की उम्मीद है और अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 35 और 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना जताई जा रही है। आज पूर्वोत्तर भारत, उपहिमालय, पश्चिम बंगाल और विदर्भ गंगीय पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, मटारवाड़ा, तमिलनाडु और केरल में हल्के से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। ओडिशा, झारखंड के कुछ हिस्सों में,
बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश के हिस्सों में और कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। सीरीज में बचे रहने के लिए टीम इंडिया को तीसरा T20 मैच हर हाल में जीतना जरूरी था और गेंदबाजों के दम पर टीम इंडिया ने दक्षिण अफ्रीका को हरा दिया। इस मैच में भारतीय गेंदबाजों ने दमदार प्रदर्शन किया। चहल ने इस मैच में 3 विकेट और हर्ष पटेल ने 4 विकेट हासिल किए। चहल को उनके शानदार प्रदर्शन के कारण प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। पहले मैच में चहल ने अपने 4 ओवर का कोटा भी पूरा नहीं किया था और केवल 2.1 ओवर की गेंदबाजी में विकेटलेस रहे थे, जबकि दूसरे मैच में वो महंगे साबित हुए। उन्होंने 4 ओवर की गेंदबाजी में 44 रन खर्च किए और केवल 1 विकेट उन्हें उस पर मिली। तीसरे T20 मैच में चहल ने 4 ओवर की गेंदबाजी में केवल 20 रन देकर 3 विकेट लिए और जीत में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई। उन्होंने इस मैच में दक्षिण अफ्रीकी टीम की मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजी को पूरी तरह से खत्म कर दिया। उन्होंने ड्वेन पिट्रियर्स, वेंडर हुसैन और हेनरी क्लासन को प्लेविया भेजा। वेंडर हुसैन पहले मैच के जीत के हीरो रहे थे, जबकि क्लासन ने दूसरे मैच में अच्छी बल्लेबाजी की थी। चहल ने अपनी सफलता के बारे में कहा कि मैंने पिछले मैचों में तेज गेंदबाजी की, आज मैंने अपनी सीम की स्थिति बदली। स्लिप करना और गेंद को डिप करना मेरी ताकत है। आज मैंने उसी ताकत का फायदा उठाया और धीमी गेंदबाजी करने की कोशिश की। मैंने अपनी ताकत के मुताबिक गेंदबाजी करने की कोशिश की और मैंने उसी पर ध्यान केंद्रित किया। तीनों सेनाओं में युवाओं की भर्ती के लिए घोषित की गई अग्निपथ योजना की सराहना करते हुए केंद्रीय मंत्रियों और भाजपा नेताओं ने इसे क्रांतिकारी पहल बताया। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्वीट किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने अग्निपथ योजना की घोषणा की है ताकि युवाओं को एक निश्चित अवधि के लिए सैन्य बलों में सेवा की अनुमति मिल सके। इससे हमारे युवाओं को खुद को अनुशासित करने में मदद मिलेगी और इससे देश को भी प्रभावी लाभ होगा। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतिम व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाकर साल दर साल सरकार को और अधिक जवाबदेह बनाया है और शासन को जन केंद्रित भी किया। आत्मनिर्भर भारत की दृष्टि की दिशा में अवसरों और लक्ष्य को हासिल करने के लिए सरकार की ताकत बढ़ाया जाना एक महत्वपूर्ण कदम है। भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने योजना को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि ये फैसला भारत का भविष्य उज्जवल करेगा, सेना को और मजबूत बनाएगा और युवाओं को देश की सेवा करने का अवसर प्रदान करेगा। एक्टर अक्षय कुमार और मानुषी छिल्लर के फिल्म सम्राट पृथ्वीराज बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फेल हो गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 300 करोड़ रुपए के बिग बजट में बनी ये फिल्म 11 दिन में इंडिया से करीब 65 करोड़ रुपए की कमाई कर पाई है। फिल्म के खराब प्रदर्शन के बीच डायरेक्टर डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी ने हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में बताया कि अक्षय ने एक बार उनसे कहा था कि अगर दर्शकों को सम्राट पृथ्वीराज पसंद नहीं आई और उन्होंने इसे रिजेक्ट कर दिया तो वो वापस हाउसफुल और राउडी राठौर जैसी नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल फिल्में करना चालू कर देंगे। डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी ने फिल्म की विफलता प्रोड्यूसर्स को कैसे प्रभावित करती है इस बारे में बात करते हुए कहा, अगर कोई फिल्म फ्लॉप हो जाती है तो प्रोड्यूसर्स निराश हो जाते हैं। यशराज फिल्म्स की ये पहली ऐतिहासिक फिल्म है, यदि ये सफल हो जाती तो वो ऐसी और फिल्में बनाते, नहीं तो उनका ऑर्गेनाइजेशन नियमित रूप से फिल्में बना रहा है और वो फिर से वैसे ही फिल्में बनाएंगे जैसे वो बनाते आ रहे हैं। जाके को राखे सैया मार सके ना कोई कहावत एक बार फिर सच साबित हो गई है। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में 105 घंटे तक मौत से जूझने के बाद राहुल ने आखिरकार जिंदगी की जंग जीत ही ली। बोरवेल में फंसे राहुल को रेस्क्यू कर सकुशल बाहर निकाल लिया गया और अभी बिलासपुर के अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। यहाँ उसे खतरे से बाहर बताया जा रहा है। ऑपरेशन राहुल हम होंगे कामयाब के साथ राहुल के बचाव के लिए लगभग 65 फीट नीचे गड्ढे में उतरी रेस्क्यू दल ने कड़ी मशक्कत के बाद राहुल को सुरक्षित बाहर निकाल लिया था। राहुल जैसे ही सुरंग से बाहर आई उसने आंखें खोली और एक बार फिर दुनिया को देखा। ये पल सबके लिए खुशी का एक बड़ा पल था।
देश के सबसे बड़े रेस्क्यू अभियान को कलेक्टर जितेंद्र कुमार शुक्ला के नेतृत्व में अंजाम दिया गया। सुरंग बनाने के रास्ते में बार बार मजबूत चट्टान आ जाने से 5 दिन तक चले इस अभियान को रेस्क्यू दल ने अंजाम देकर मासूम राहुल को एक नई जिंदगी दे ही दी। इस रेस्क्यू के सफल होने से देश भर में खुशी का माहौल है। राहुल को बाहर निकाल जाने के बाद मौके पर मौजूद चिकित्सा दल की ओर से प्राथमिक स्वास्थ्य जांच की गई। मुख्यमंत्री के निर्देश पर राहुल को तत्काल बेहतर उपचार के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाकर अपोलो अस्पताल बिलासपुर भेजा गया। वहां पर राहुल साहू के सकुशल बाहर निकल जाने के बाद डॉक्टर्स ने भी कहा कि अब वो खतरे से बाहर है और इसके बाद सभी ने राहत की सांस ली। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने इस बात को लेकर हैरानी जाहिर की है कि सरकार ने जब पबजी गेम पर रोक लगा दी है तो अब भी बच्चे उसे कैसे खेल रहे हैं। आयोग ने इसके बारे में कहा कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से इस बारे में बातचीत की है और उनसे जवाब मांगा है कि भारत में प्रतिबंधित पबजी गेम बच्चों को अब भी कैसे हासिल हो जाता है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने मंगलवार को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से देश में प्रतिबंधित कर दिए गए पबजी गेम तक अभी भी बच्चों की पहुंच होने के बारे में सवाल उठाए। गौरतलब है कि हाल ही में लखनऊ में एक दुखद घटना सामने आई थी जिसमें पबजी गेम खेलने से मना करने पर नाराज होकर एक 16 वर्षीय बच्चे ने अपनी मां की कथित रूप से गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसके बाद ही अब राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग इस मामले को लेकर सतर्क हुआ है और उसने आईटी मंत्रालय से इसके बारे में सफाई मांगी है। आईटी मंत्रालय को भेजे गए अपने पत्र में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने इस बात को लेकर हैरानी जाहिर की कि कैसे एक गेम जिस पर सरकार ने रोक लगा दी है उसे भारत में ब्लॉक कर दिया है, अभी भी नाबालिगों तक उसकी पहुंच कायम है। जबकि भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष को लिखे गए एक दूसरे पत्र में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने कहा कि ये सामने आया है कि एक ई स्पोर्ट के रूप में पबजी को मान्यता हासिल है, इसे एशियाई ओलंपिक परिषद से भी मान्यता है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने पूछा है कि क्या इसी तरह के किसी और गेम को उनके संगठन से मान्यता हासिल है या नहीं। आरएसएस नेता राम माधव ने कहा कि भारत चीन सीमा मुद्दे पर मुझे इस विवाद को अपने जीवन काल में सुलझाना चाहिए का दृष्टिकोण कम नहीं करेगा। उन्होंने तर्क दिया कि लंबे समय से चली आ रही तकरार चीन जैसे सांस्कृतिक राष्ट्र से निपटने में मदद नहीं करेगी। कर्नल अनिल भट्ट बीएमएसएम की एक पुस्तक चाइना बल्डीज बुलटिस बॉर्डर्स का विमोचन करते हुए दोनों देशों के बीच 1962 के युद्ध के बाद से भारत चीन के अशांत संबंधों का विवरण देते हुए माधव ने कहा कि किसी को भी इसे विरासत का मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। कोई नहीं जानता कि आखिर कौन इस मुद्दे को सुलझाएगा। राम माधव ने कहा कि क्या आप जानते हैं कि तत्कालीन सोवियत संघ और चीन के बीच महान सीमा विवाद को बोरिस नामक एक पूरी तरह से नशे में धुत नेता ने हल किया था। अब किसने सोचा होगा कि येल्सिन आखिरकार उस मुद्दे को सुलझा लेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा किया। ये उन्हें क्रेडिट में चला जाता है, उन्हें क्रेडिट मिलना चाहिए इस बात का कि उन्होंने उस मुद्दे को सुलझाया। राम माधव ने कहा कि एक समाधान के लिए जल्दी मत करो, ये सुलझने वाला नहीं है, क्योंकि आप किसी अन्य देश से नहीं बल्कि एक सभ्यता एक सांस्कृतिक राष्ट्र के साथ समझौता कर रहे हैं। सोवियत संघ के राजनेता येल्सिन शीत युद्ध की समाप्ति पर रूसी संघ के पहले राष्ट्रपति बने थे। फिलहाल के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे खबरें लगातार में। जय हिंद। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज।